ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को दिसंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि पूरे महीने आपके राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है और आपके आय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है, आपके धन भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, देखिए इन सब पहलुओं पर ध्यान देते हुए बृहस्पति की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि थोड़ा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन फिर भी इस महीने अपने मन को भटकने ना दें, सही फैसले लेने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको संयम रखना होगा और अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान हो सकता है। बस करना आपको यह है कि ओम हंग हनुमताये नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप कर लेना है, गलत संगत और गलत काम से बचना है, अन्न की बर्बादी ना करें और जहां तक हो सके परोपकार करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।